तो ये दिया गया है यहाँ पर, आज हम पढ़ेंगे एमएस एक्सेस की यूनिट फर्स्ट जो कि डीसी और पीजीडीसी दोनों के सिलेबस में दी गई है एमएस एक्सेस में। और यूनिट फर्स्ट में पूरा थ्योरी ही दिया गया है कि एमएस एक्सेस को ठीक है अपन इस्तेमाल तो कर रहे हैं सॉफ्टवेयर के रूप में, लेकिन एमएस एक्सेस में क्या मेंटेन करते हैं अपन, डेटाबेस को मेंटेन करते हैं। डेटाबेस के अंदर क्या भरते हैं, रिकॉर्ड्स भरते हैं। तो वो आखिर डेटाबेस क्या है, इसकी बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी होती है। लोग इस डीबीएमएस सब्जेक्ट में पीएचडी तक करते हैं, समझ गया ना, डीबीएमएस मास्टर डिग्री जो होती कंप्यूटर की, उसमें पूरा विषय होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो वही पूरा सब्जेक्ट को आपको में एक यूनिट के में रखा गया है, और इसको समझ के आप ये समझ सकते हो कि आखिर डेटाबेस जो एमएस एक्सेस है, अभी तो एक एमएस एक्सेस बस पढ़ रहे हो, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, अगर उनमें आप काम करोगे तो उसका आधार क्या है, कैसे उसमें काम हो रहा है, ये सारा हमको पता चलेगा इस थ्योरी को समझने के बाद। ठीक है, तो जिसका पहला क्वेश्चन है डेटाबेस क्या है, तो समझते हैं। डेटाबेस डेटा का कलेक्शन है, अर्थात डेटाबेस सूचनाओं तथा तथ्यों का संग्रहण है। डेटाबेस किसका कलेक्शन है, डेटा का कलेक्शन है। जैसे एक स्कूल का अगर हम डेटाबेस बनाया हमने, तो उस स्कूल के डेटाबेस में किस किस का डेटा आएगा, स्टूडेंट का डेटा भी रहेगा, वहां पर जो टीचर्स हैं उनका भी डेटा रहेगा, वहां पर जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनका भी डेटा रहेगा, स्टूडेंट का रिजल्ट का डेटा भी रहेगा, स्टूडेंट की कैटेगरी की जानकारी का भी डेटा रहेगा। तो बहुत प्रकार का अलग अलग डेटा रहेगा, तो बहुत सारे डेटा का कलेक्शन ही क्या बोलते हैं, डेटाबेस बोलते हैं। तो स्कूल का जो पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन करने की जो फाइल बनेगी उसको क्या बोलेंगे, डेटाबेस बोलेंगे, है ना। आपने एक टेबल बना दी छोटी सी, उसमें दो चार पांच फील्ड रख दी, उस स्टूडेंट का नाम, एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, उसमें डेटा भर दिया, तो वो डेटाबेस नहीं हुआ, डेटाबेस हो गया अलग 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 प्रकार के डेटा का समूह। जैसे स्टूडेंट के जनरल इंफॉर्मेशन भी, स्टूडेंट की रिजल्ट इंफॉर्मेशन भी, इंप्लॉई की इंफॉर्मेशन भी, टीचर्स की इंफॉर्मेशन भी, बहुत सारी अलग अलग टेबल मिलकर के क्या बनाती है, डेटाबेस बनाती है। टेबल क्या है ये आपको प्रैक्टिकली मालूम है, किसी संस्था, किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी व्यक्ति इत्यादि से संबंधित तथ्यों या सूचनाओं की एक फाइल के रूप में व्यवस्थित संरचना को डेटाबेस के नाम से जाना जाता है। ये सारी टेबल अलग अलग जो बनती हैं वो एक ही फाइल में बनती हैं, उस एक फाइल को क्या बोलते हैं, हम डेटाबेस बोलते हैं। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रत्येक विभाग में कार्य करने वाले व्यक्तियों की संपूर्ण इंफॉर्मेशन को एक व्यवस्थित रूप में स्टोर की गई फाइल को हम एम्प्लॉई डेटाबेस के नाम से संबोधित कर सकते हैं। जैसे कि एक कंपनी है, कंपनी में जो भी वहां के कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों की इंफॉर्मेशन, कैसी इंफॉर्मेशन, उनका नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उनका एड्रेस, सैलरी, डेजिग्नेशन, वो किस सन से काम कर रहे हैं, एक ज्वाइनिंग डेट क्या है, सैलरी कितनी बन रही है, ये सभी प्रकार का अलग अलग टेबल में स्टोर डेटा जब एक साथ मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, एम्प्लॉई डेटाबेस, एम्प्लॉई डेटाबेस बोलेंगे। किसी वस्तु या तथा व्यक्ति या समूह के बारे में किसी तथा तथा जानकारी को डेटा कहते हैं। डेटा किसको कहेंगे, पर्टिकुलर, जैसे स्टूडेंट की टेबल है तो स्टूडेंट का नाम डेटा है, स्टूडेंट का एड्रेस डेटा है, स्टूडेंट की फोटो वो भी एक डेटा है, स्टूडेंट का रिजल्ट वो भी एक डेटा है, टीचर्स का नाम डेटा है, लेकिन जब सारी चीजें इकट्ठी जाएंगी तो वो डेटाबेस कहलाएगा। किसी व्यक्ति का नाम, पता, किसी वस्तु का नाम, मूल्य, किसी संस्था में कक्षा के विद्यार्थियों का नाम, उम्र इत्यादि डेटा के उदाहरण। ठीक है, अलग अलग रिकॉर्ड्स को ही डेटा हम बोलेंगे। डेटाबेस व्यवस्थित इसलिए होता है क्योंकि उसमें किसी भी डेटा या सूचना को एक निश्चित स्थान पर पहले से तय की हुई रूपरेखा में रखा जाता है। अब यदि आप एमएस वर्ड में टाइप कर लेते हो, मान लीजिए स्कूल का स्टूडेंट का रिकॉर्ड, तो क्या वो डेटाबेस है, नहीं वो डेटाबेस नहीं है। वो एमएस वर्ड में आप स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स बोल सकते हो, लिस्ट बोल सकते हो। डेटाबेस कब बोलोगे, जब वो व्यवस्थित होगा, जैसे एक्सेस में अगर आप सारी चीजें रखते हो तो वो डेटाबेस कहा जाएगा। किसी दूसरे रिकॉर्ड को मेंटेन करने वाले सॉफ्टवेयर में रखते हो तो वो डेटाबेस कहा जाएगा। डीसीए वाले तो पीजीडीसी तो ठीक है, कर ही रहे हैं वो तो अच्छे से, डीसीए वाले के दिमाग में अगर एक लाइन भी समझ में नहीं आई ना, तो हो सकता है उससे संबंधित पांच क्वेश्चन ना बने, क्योंकि बहुत घुमा फिरा के आने वाला है। ठीक है, इसलिए एक एक लाइन को इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं,
आपको कि ऑनलाइन में उन बातों को बिल्कुल रीजनिंग जैसे, रीजनिंग थोड़ी बहुत अगर आपने की हो, बात सरल रहती है लेकिन बहुत घुमा फिरा के पूछी जाती है, जिससे आपका सोचने समझने की शक्ति चेक की जाती है। हर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में यही है, बात सिंपल रहेगी, डेटाबेस क्या है उसको इतना घुमा के दे देंगे कि अब आप चार में से सेलेक्ट करिए। कोई सिंपल पूछेगा भैया रिकॉर्ड्स का समूह, डेटाबेस, लेकिन परीक्षा में यही बात बहुत घुमा के पूछी जाएगी। तो जरा आप शब्दों को अच्छे से सुनते जाएं और दिमाग में पूरा समझते जाएं क्या बोल रहे हैं, ताकि कभी भी आवश्यकता पड़ने पर आसानी से ढूंढकर देखा जा सके। डेटाबेस सूचनाओं का ऐसा संग्रह होता है कि जब देखना हो तो आसानी से देख सकें। तो आप किसके माध्यम से आसानी से देख पा रहे हो, इसलिए उसको हम डेटाबेस बोल रहे हैं, क्वेरी के माध्यम से। अब क्वेरी ना होगी तो अगर एमएस वर्ड में आप 1000 रिकॉर्ड भर दोगे कैसे देखोगे, पेज को स्क्रॉल कर करके ढूंढोगे, जो कि बहुत दिक्कत होगी। लेकिन एक्सेस में 1000 रिकॉर्ड हैं तो आप उसको बड़े आसानी से क्वेरी से बना के और डेटा को देख सकते हो। तो डेटाबेस की विशेषता हुई कि उसमें से रिकॉर्ड देखना भी आसान होता है। व्यवस्थित डेटाबेस में हमें निम्नलिखित कार्य करने की सुविधा मिलती है। अब अगर आपका डेटाबेस व्यवस्थित है, और व्यवस्थित है इसलिए उसको डेटाबेस कहेंगे, ठीक है, तो क्या क्या सुविधा मिलती है वो हमको देखना है। तो एक व्यवस्थित डेटाबेस में हमको क्या सुविधा मिलती है, पहला इच्छित या आवश्यक सूचना को डायरेक्ट देखना। आपने एक स्टूडेंट का टेबल बनाई, टेबल में हमको मान लीजिए ये रिकॉर्ड देखना है कि डीसीए वाले स्टूडेंट कौन से हैं। एमएस वर्ड में देखना आसान होगा कि एक्सेस में तुरंत आप क्वेरी बना लोगे और उस क्वेरी में क्या सिलेक्ट करोगे कि जहां पर कि केवल स्टूडेंट, क्राइटेरिया में क्या डाल दोगे, डीसीए वाले। तो सूचना को डायरेक्ट आप देख पा रहे हो, ये सुविधा हुई किसकी, डेटा बेस सॉफ्टवेयर की। दूसरा, सूचनाओं के अनुसार उचित कार्यवाही करना या निर्णय लेना। अगर हमारे सामने एग्जैक्ट सूचना आ गई तो हम उसके आधार पर निर्णय ले सकते हैं ना। हमको देखना कि डीसी के कितने स्टूडेंट है, तुरंत एक बटन में क्लिक किया डीसी के स्टूडेंट सामने आ गए लिस्ट, तो वो हम तुरंत निर्णय ले पा रहे हैं। लेकिन अगर यही काम एमएस वर्ड में होगा तो उसमें समय लगेगा कि नहीं, स्क्रॉल करते रहेंगे, स्क्रॉल करते हुए देखेंगे कौन कौन से डीसी के हैं या अलग उनको छांट के रखेंगे, तो निर्णय लेने में समय लगेगा। तीसरा, सूचनाओं को नई आवश्यकताओं के अनुसार पुनः व्यवस्थित करना। अब हमारी आवश्यकता यह थी कि जो पूरा 1000 रिकॉर्ड था डीसीए के, उसमें अलग प्रिंट निकाल दें, तो हम उसको अलग व्यवस्थित करके अपनी आवश्यकता, जैसे हमारी बदल रही है कि डीसीए वाले अलग चाहिए तो हम अलग प्रिंट निकाल पा रहे हैं ना। ये सारा काम किसमें संबंधित है, केवल डेटाबेस में। भरी हुई सूचनाओं के आधार पर रिपोर्ट आदि बनाना तथा नई सूचना निकालना। अगर आपको पर्टिकुलर क्राइटेरिया के आधार पर क्या बनाना है, रिपोर्ट बनाना है, तो क्या वो एमएस वर्ड में पॉसिबल होगा, नहीं होगा। वो किसमें पॉसिबल होगा, केवल डेटाबेस में, जो कि डेटाबेस का एक उदाहरण था एमएस एक्सेल, जिसको आपको कर रहे हो। तो ये अभी अपन एक कॉमन चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, कॉमन मतलब कि एक डेटाबेस कैसे कार्य करता है। फिर एमएस एक्सेस उसका एक एग्जाम्पल हुआ, एमएस एक्सेस उसका एक एग्जाम्पल हुआ, किसका एग्जाम्पल हुआ, डेटाबेस को। तो यहां अपन एमएस एक्सेस बस के बारे में यूनिट फर्स्ट में नहीं, यूनिट फर्स्ट में है डेटाबेस के बारे में। उदाहरण के लिए निम्नलिखित प्रारूप में एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को एक डेटाबेस के रूप में जाना जाता है, ये एक पूरा डेटाबेस कहा जाएगा। कैसे, यहां पर फील्ड दिया गया है, डेटाबेस ऐसी तो बनाते हैं एमएस एक्सेस में, आपने टेबल बनाई है, टेबल में क्या देते हो आप, फील्ड के नाम देते हो और यहां पर क्या देते हो, रिकॉर्ड्स देते हो, ठीक है। और इस प्रकार से दो चार पांच नहीं, 1000-1500 रिकॉर्ड जब एक साथ बनते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डेटाबेस बोलते हैं। डेटा को आसानी से मैनिपुलेट करने के लिए डेटा को फाइल के स्थान पर डेटाबेस में स्टोर करते हैं। आसानी से मैनिपुलेट, मैनिपुलेट करना मतलब उसमें नए रिकॉर्ड जोड़ना, पुराने रिकॉर्ड अपडेट करना, रिकॉर्ड डिलीट करना, इसको क्या बोलते हैं, मैनिपुलेट करना। एमएस वर्ड में ये काम करना आसान होगा कि एमएस एक्सेस में, एमएस एक्सेस में अपडेट क्वेरी चलाई, सारे रिकॉर्ड अपडेट हो गए एक बटन में क्लिक करने पे, क्योंकि बनाना नॉर्मल यूजर को बनाना नहीं पड़ेगा, उसको तो एक बटन में क्लिक करना है, रिकॉर्ड अपडेट हो जाएंगे। लेकिन अगर उसको एमएस वर्ड की फाइल दे दी जाए और सैलरी अपडेट करने के लिए कहा जाए, उसको दिक्कत होगी कि नहीं होगी, वो एक एक में जाके के अलग अलग करेगा। डेटाबेस डेटा को यूजर की इच्छा अनुसार मैनिपुलेट करने का सरल तथा सुलभ तरीका है। डेटाबेस को आसानी से एक्सेस, मैनेज तथा अपडेट किया जा सकता है। डेटाबेस में
ठीक है, डेटाबेस को आसानी से एक्सेस मतलब देख सकते हैं, इंसर्ट मतलब रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट करना मतलब रिकॉर्ड को बदल सकते हैं। डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट डिलीट अपडेट इत्यादि ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए सिस्टम को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। डेटाबेस आप समझ गए हैं, जहां सारे रिकॉर्ड स्टोर होते हैं अलग अलग टेबल में, उसको बोलते हैं डेटाबेस। अब उस डेटाबेस को व्यवस्थित करने वाले सॉफ्टवेयर को डीबीएमएस कहते हैं। परीक्षा में क्वेश्चन आएगा डेटाबेस क्या है और डीबीएमएस क्या है या डीबीएमएस क्या है, तो डेटाबेस अलग अलग टेबल्स अलग अलग रिकॉर्ड का समूह डेटाबेस, और डेटाबेस को व्यवस्थित करने वाले सॉफ्टवेयर का नाम क्या है डीबीएमएस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस के बारे में पढ़ लिया है, अब पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डीबीएमएस का उदाहरण हुआ एमएस एक्सेस, क्योंकि एमएस एक्सेस क्या करता है, डेटाबेस को तो मैनेज करता है, इसलिए डीबीएमएस का उदाहरण क्या हुआ एमएस एक्सेस। तो डीबीएमएस किसको बोलेंगे, जो डेटाबेस को मैनेज करने के काम में आता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो यूजर को डेटाबेस में डेटा को मैनिपुलेट तथा मैनेज करने के लिए फंक्शन को उपलब्ध कराता। फंक्शन ही तो थे, टेबल बनाना, क्वेरी बनाना, रिपोर्ट बनाना, ये क्या थे, फंक्शन ही तो थे। डीबीएमएस में डेटा फाइल्स फाइल्स के रूप में होती है जो डेटाबेस इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। निम्नलिखित में डेटाबेस ओएस एंड डीबीएमएस